भारत सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाइयों पर रोक लगा दी है। ये दवाएं अब बाजार में नहीं मिलेंगी। इनमें कई दवाएं ऐसी हैं जो फटाफट आराम तो दे देती हैं, लेकिन इनसे लोगों को नुकसान भी होता है। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर ये कदम उठाया है। इन दवाओं में दो या दो से अधिक दवाओं के मिश्रण होते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की थी कि प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली निमुसुलाइड और पैरासिटामोल टैबलेट के अलावा फेनिरामाइन मैलेट और कोडाइन सिरप का कॉम्बिनेशन, फोल्कोडाइन और प्रोमेथेजाइन, एमोक्सोलिन और ब्रोक्साइन है। इनके अलावा ब्रोक्साइन और डेक्सट्रोमेथोरफेन और अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल, पैरासिटामोल और ब्रोक्साइन और फेनाइलेफ्राइन और कैलोरफेनिरामाइन और गुइफेसिन और सेलाबुटामोल और ब्रोक्साइन के कॉम्बिनेशन वाली दवा शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा करीबन 14 के करीब मेडिसिन को बैन किया गया है देश के अंदर, प्रदेश को लेके उसकी क्या स्थिति है? उसके लिए मैंने आदेश जारी कर दिए हैं कि ये जो मेडिसिन हैं वो पूरी तरह से मार्केट से विड्रा की जाए, मैन्युफैक्चरर अगर कर रहे हैं उनसे विड्रा की जाए, और सरकारी वेयर हाउस में जहाँ अस्पतालों में जहाँ जहाँ पर वो मेडिसिन हैं जो बैन की गई हैं उसको तुरंत विड्रा किया जाए और उनका रिकॉर्ड बनाया जाए कि प्राइवेट में कितने विड्रा करी हैं और सरकार में कितने विड्रा करी हैं, क्योंकि वो प्रचलित मेडिसिन हैं तो इसलिए उनको, क्योंकि उनके ऊपर बैन लग गया, उनको तुरंत विड्रा करने के मैंने आदेश जारी किए। 2019 में सरकारी अस्पताल बनाने का वायदा किया था प्रदेश सरकार ने, अभी तक अस्पताल बनने की तरफ कोई दिशा में काम शुरू नहीं हुआ है, कब तक बनेगा सरकारी अस्पताल? नहीं नहीं, उसका सारा देखो, हमने जो 700 बेड का बनाने का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका FAR की प्रॉब्लम थी, वो म्यूनिसिपल कमेटी ने शायद, कॉरपोरेशन ने शायद हल कर दिया, तो उसके लिए तो लगातार प्रयासरत हैं हम कि यहाँ पर अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।